हे एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के आठवें अजूबे की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सेवन वंडर तो हम सभी जानते हैं, हम सभी ने सुन रखे हैं काफी पुराने टाइम से, पर एट्थ वंडर की बात करें तो आप ये देखेंगे मैंने कुछ टेबल और ग्राफ बना रखी है और आपको धीरे धीरे थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा कि क्या है दुनिया का आठवां वंडर, एट्थ वंडर। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, काफी मजेदार कहानी है, शायद आपको पसंद आए। मुझे भी पसंद आती है काफी कहानी, दैट इज द रीजन आई थॉट कि आपके साथ शेयर करूँ। तो एक राज्य था दोस्तों, एक किंगडम था, वहां पे एक राजा रहा करता था। वैसे तो वो राजा दयालु था, सभी की बात सुनता था, पर उसके संग एक प्रॉब्लम थी। कभी भी अगर कोई बड़ी गलती हो जाती थी तो वो सीधे फांसी की सजा ही सुनाता था। तो उनके राज्य में, उनके किंगडम में एक काफी इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति रहा करता था। उससे एक दिन एक बड़ी गलती हो गई और राजा को जब ये पता लगा तो राजा ने एज यूजुअल, जैसा उसका नेचर था, उसने उसको भी फांसी की सजा सुना दी। जब वो राजा के पास गया तो उसने राजा से कहा कि राजा मेरा तो इंश्योरेंस भी नहीं है, उस वक्त इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था, मेरा तो इंश्योरेंस भी नहीं है, मेरी फैमिली की टेक केयर कौन करेगा, मेरा इतना बड़ा परिवार है, उसको कौन खाना देगा, उसकी टेक केयर कौन करेगा। तो राजा ने कहा तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन है, फांसी की सजा तो मैं देके ही रहूंगा। तो उसने कहा ठीक है राजा, मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, एक अनुमति चाहता हूँ, और आप मेरे इस निवेदन को, आप मेरी रिक्वेस्ट को मान लें और आप मुझे फांसी की सजा दे दें। तो राजा ने कहा ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है, क्या आखिरी कह सकते हैं इच्छा है। तो उसने कहा कि राजा आप मेरी फैमिली को पहले दिन 1 रुपये दीजिए, दूसरे दिन उसका डबल 2 रुपये दीजिए, और इस तरीके से केवल 1 महीने तक मेरी फैमिली को पैसा दीजिए और 1 महीने बाद मुझे फांसी की सजा दे दीजिएगा। राजा थोड़ा दयालु तो था, उसने उसकी ये बात मानी और उसने पहले दिन उसकी फैमिली को 1 रुपये दे दिया। आप देख सकते हैं मैं D1 लिख रखा है और अमाउंट लिख रखा है, यानी पहले दिन 1 रुपये दे दिए। दूसरे दिन राजा ने 2 रुपये दे दिए, 1 रुपये का डबल। तीसरे दिन 2 रुपये का डबल, 4 रुपये दे दिए, और इस तरीके से 10वें दिन तक राजा ने केवल 512 रुपये उसकी फैमिली को दे दिए। राजा को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि उस बुद्धिमान व्यक्ति ने, उस इंटेलिजेंट पर्सन ने क्या चालाकी कही है राजा से। राजा धीरे धीरे पैसे देते गया और आपने देखा 20वें दिन, अगर राजा की बात करें तो 20वें दिन तक राजा काफी पैसा दे चुका था। पर प्रॉब्लम आना शुरू हुई जब धीरे धीरे 20 डेज से 21 और 22 डेज आए, तो राजा का धीरे धीरे राज्य में जितना पैसा था वो सारा खाली होने लग गया। और राजा को थोड़े दिनों में ही समझ में आ गया, 30 दिन से पहले ही, कि राजा के पास इतना पैसा है ही नहीं कि राजा वो पेमेंट उसकी फैमिली को दे सके। और एंड द एंड, अंत में राजा को अपनी हार माननी पड़ी और राजा ने उसको उसकी गलती के लिए माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कंपाउंडिंग की। जैसे ही पैसा डबल होता है, कंपाउंड होता है, वो इतनी स्पीड से भरता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो एक बार इस टेबल को हम दोबारा देखते हैं। पहले दिन वो केवल 1 रुपये थे, दूसरे दिन 2 रुपये हो गए, इस तरीके से आप देखेंगे 10वें दिन तक केवल 500 रुपये हुए, फिर 1000 रुपये हो गए, 2000 रुपये हो गए, 13वें दिन 4000 रुपये हो गए, और इस तरीके से 15वें दिन तक, 15 डे तक 16000 रुपये हो गए। अब अगर हम बात करें 17th डे की, तो 17th को ये 65,000 हो गए, 18th की बात करें तो ये 1,31,000 हो गए, 19th को ये 2 लाख हो गए, 20th डे को 20वें दिन ये 5 लाख हो गए, 21वें दिन ये 10 लाख हो गए, 22वें दिन 20 लाख हो गए, 23rd डे ये 40 लाख से ऊपर हो गए, 41 लाख, 24th डे को ये 83 लाख हो गए। आप देख रहे हैं कि इतनी स्पीड से पैसा बढ़ रहा है, और 25th डे ये करोड़ों में पहुंच गए और ये अमाउंट हो गया 1,67,77,216। वहीं बात करें 26th को तो ये 3,35,00,000 हो गए, 27th को ये 6 करोड़ हो गए, और 28th को ये 13 करोड़ हो गए, 29th को 26 करोड़, और 30th ऑफ द डे 53 करोड़, और 31st को ये 107 करोड़, 37,41,824 का अमाउंट हो गया। तो आपने देखा कि 1 रुपये 1 महीने में ही कंपाउंडिंग की वजह से 107 करोड़ रुपए हो गए। तो इसको मैंने ग्राफ के थ्रू भी दिखाया है, आप देख सकते हैं कि कितनी अमाउंट से, यहाँ मैंने डेज लिख रखे हैं 0, 5, 10, 15, तो जैसे जैसे डेज बढ़ते गए, या मैं राइट हैंड साइड पे अमाउंट लिखता गया हूँ कि अमाउंट भी बढ़ता गया। आप देख रहे हैं 5वें दिन का अमाउंट है वो 16 रुपये है, फिर 10वें दिन का अमाउंट 512 रुपये है, इस तरीके से 31 डेज जो अमाउंट है वो 107 करोड़ 37 लाख 41,824।
तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, जिससे आपको पता लगा कि कंपाउंडिंग काफी अजूबा है, काफी स्पीड से पैसा बढ़ता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो रिटायरमेंट प्लान होते हैं, या जहां बताया जाता है कि आप पैसे को लगाए रखिए, और जहां पैसे से पैसा बनता है, पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलती है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलती है, वहां आप बहुत जल्दी अपनी रिटायरमेंट प्लान कर पाते हैं और आपका पैसा भी बढ़ता है। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, और हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।